हेलो स्टूडेंट्स एम एंड सी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल एम एंड सी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डू प्रोबेबिलिटी चैप्टर सिक्सटींथ ऑफ क्लास इलेवेंथ एन सी आर टी सी बी एस ई कोर्स इट विल बी हेल्पफुल फॉर एन आई ओ एस स्टूडेंट्स एंड आई सी एस सी स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स ऑल्सो किसी भी स्टेट इंडियन स्टेट के स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी ये काफ़ी मददगार होगा साथ ही जो आईआईटी आई मैन और आईआईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है तो इसलिए आप सभी ध्यान से और अंत तक इस वीडियो को देखिए ताकि इसके सारे कंटेंट को आप अच्छी तरह से समझ पाएं आज के इस सेशन में ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो है आज जो है ये थर्ड सेशन है इससे पहले दो सेशंस हो चुके हैं जिनमें हमने पहले सेशन में सैम्पल स्पेस के बारे में वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सैम्पल स्पेस किया था और जो सेकेंड सेशन था उसमें हमने इवेंट्स के बारे में और इवेंट्स का जो कोरिलेशन है सेट्स का सेट थ्योरी के साथ तो उसके एस्पेक्ट को हमने देखा था और आज की जो क्लास है आज का जो सेशन है उसमें जो है हम ये वी आर गोइंग टू सी द फॉलोइंग थिंग्स फॉलोइंग कंसेप्ट्स एग्जियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी हमें देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल फिर हमें देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फिर देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स फिर देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए और बी फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ए इस तरह से हम आज बेसिकली छः पॉइंट्स देखने वाले हैं इन डिटेल तो कहीं जाइए नहीं आप जो है प्रोबेबिलिटी को अच्छी तरह से अगर समझना चाहते हैं तो आपके पास ये तीसरा सेशन है बाकी जो दो वीडियो सेशंस हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट है ही ये खास करके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्जिमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी अगर हम शुरू कर रहे हैं तो लेटेस्ट बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे ये देखिए एक्जियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी तो बेसिकली एक्जिमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी है क्या हमें करना क्या है इसमें तो इन अर्लियर सेक्शंस वी हैव कंसीडर्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट्स sample space and events associated with these experiments we have already seen these things in our day to day life we use many words about the chances of occurrence of events probability theory attempts to quantify the chances of occurrence or non-occurrence of events actually probability is what probability is occurrence of an event we define an event event we have already defined in our previous sessions that is the subset of uh, sample space. We all know. In earlier classes, that is in class 10th, we have already studied some methods of assigning probability to an event associated with an experiment having known the number of total outcomes exactly. If we do not know the total number of outcomes, we want to be able to get the probability of that event. So, we must know actually our sample space must be. फाइनाइट टू गेट द प्रोबेबिलिटी द न्यूमरिकल वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी अदरवाइज इफ सैंपल स्पेस हैज इन्फिनाइट सैंपल पॉइंट्स सैंपल पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हमने डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में कि सैंपल पॉइंट जो है सैंपल स्पेस के एलिमेंट होते हैं और नथिंग मोर देन दैट ठीक है तो एक्जियोमेटिक अप्रोच बेसिकली क्या है एग्जियोमेटिक अगर आप इसको ब्रेक करके देखेंगे तो ये एग्जियोम और मैटिक एग्जियम और मैट्रिक्स से मिलकर बना है तो एग्जियम वी ऑल नो क्या होता है एग्जियम क्या होता है एग्जियम होता है जिसको कि प्रूव करने की जरूरत नहीं होती वो या कहिए कि बहुत छोटे थियोरम्स होते हैं जो कि फैक्ट पर बेस्ड होते हैं उनको हम एग्जियम कहते हैं उनको दौ प्रूव कर सकते हैं हम पर उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये रियलिटी से बहुत क्लोज फैक्ट होते हैं तो ये जो एग्जियोमैटिक अप्रोच है मतलब हमें यहां पर एक्जियम्स के मदद से एग्जियमेटिक तो उसका अप्रोच लगाना है ठीक है प्रोबेबिलिटी के लिए तो एक्जियोमेटिक अप्रोच इज अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ठीक है अर्लियर क्लास में हमने जो है प्रोबेबिलिटी डिस्कस किया था तो सिंपल इवेंट्स के होते थे तो सिंपल इवेंट्स में क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स राइट तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमें पता चल जाता है पर अगर हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाता है तो वहां पर हमें एग्जियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी लगाने की जरूरत होती है ठीक है तो इन दिस अप्रोच सम एक्जियम्स और रूल्स आर डिपिक्टेड टू असाइन प्रोबेबिलिटीज वी यूज सम रूल्स सम एग्जियम्स टू असाइन प्रोबेबिलिटीज अब मान रखिए कि हमारे पास एस जो है एक सैम्पल स्पेस है रेंडम एक्सपेरिमेंट का ठीक है अब इसमें प्रोबेबिलिटी पी जो है क्या होगा तो यहाँ पर अगर एस हमारे पास क्या है सैम्पल स्पेस है राइट right? अगर एस हमारे पास सैम्पल स्पेस है तो जो प्रोबेबिलिटी पी है वो क्या होगा तो वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है हमारे पास एक्सियम के हिसाब से रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसका कि डोमेन जो है पावर सेट ऑफ़ एस होता है कि पावर सेट ऑफ एस वी ऑल नो व्हाट डू वी मीन बाय पावर सेट ऑफ अ सेट एक्चुअली सारे सबसेट्स का सेट होता है पावर सेट ठीक है जितने भी अगर सैंपल स्पेस है मान रखिए कि हमने एच और टी एक क्वाइन को टॉस करने पर हमारे पास एच और टी होता है तो ये तो सैम्पल स्पेस है ठीक है इसका जब पावर सेट हम लिखने लगेंगे तो हमें पी एस लिखना होगा और उसमें हमें एच आएगा टी आएगा और फिर दो एक्सट्रीम वाले आते हैं एक फाइव जिसमें कि कोई एलिमेंट नहीं होता और एक एस खुद भी आता है क्योंकि कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होता है तो यहाँ पर सारे पॉसिबल सबसेट्स का एक सेट बनाते हैं वो पावर सेट बनाते हैं तो पावर सेट के बारे में तो हमें पहले से ही पता है ठीक है बात तो अब अगर हम आए कि प्रोबेबिलिटी पी जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है हुज डोमेन इज द पावर सेट ऑफ एस एंड रेंज जो इसका होगा वो हमारा जीरो से डोमेन तो समझ में आ गया आपको डोमेन जो है पावर सेट होगा पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस और रेंज जो होगा वो उसकी वैल्यू जीरो से वन के बीच होगी ठीक है हमने लास्ट सेशन में भी प्रोबेबिलिटी मतलब जो लास्ट क्लास में टेंथ क्लास में हमने किया था तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है कभी भी जीरो और वन के बियॉन्ड नहीं जा सकता है मतलब इसकी सबसे लीस्ट वैल्यू जो है जीरो और सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वन हो सकती है ठीक है तो हमारे पास यहाँ पर पी ई जो है वो क्या होगा अगर किसी का प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है तो वो जीरो से तो बड़ा होगा वन से छोटा होगा ठीक है और जीरो और वन जो है दो एक्सट्रीम केसेस हैं जीरो का मतलब है कि नो प्रोबेबिलिटी मतलब इम्पॉसिबल इवेंट जबकि वन का मतलब है कि स्योर इवेंट वो होगा ही होगा ठीक है और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या होगा कि अगर हम पी ए ई यूनियन एफ निकालना चाहते हैं तो वो इन दोनों का सम होगा मतलब पी ई e और प्लस पी एफ होगा क्योंकि ये अगर हम ये सपोज करें कि ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो ये बात समझ में आ गई होगी अब यहाँ पर हमें एग्जियम्स क्या क्या लगाने होते हैं तो ये एक एग्जियम तो यही हो गया कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का जो होगा वो ज़ीरो से वन के बीच में होगा उसके बाद जितने भी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज होंगे मान रखिए कि हमने सिंपल इवेंट्स बहुत सारे डिफाइन किए हुए हैं तो जितने भी इवेंट्स होंगे उनका जो सम होगा एलिमेंट्री इवेंट्स का वो उनका सम वन होना चाहिए ठीक है तो वो जो है हमारे पास दूसरा ये आ गया कि मान रखिए कि हमारे पास पी ई वन ठीक है प्लस पी ई टू एंड सो ऑन मान रखिए कि हमने एन इवेंट्स डिफाइन किए हुए हैं या एन आउटकम्स है उनके सब के इंडिविजुअल अगर हम कर... कैलकुलेट कराएंगे तो उनका सम जो है वो वन के बराबर होना चाहिए ठीक है ये दूसरा एक्जियम है और फिर है फॉर एनी इवेंट ए पी ए जो है वो सम ऑफ अब देखिए ए मतलब हमारे पास जो आ, चीज़ें आएंगी जैसे हमारे पास पी ए है तो वो जो है समेसन ऑफ पी ओमेगा आई हो जाएगा समेसन ऑफ पी ओमेगा आई ये ओमेगा सिंबल है ओमेगा आई और यहाँ पर ओमेगा आई जो है वो A का में बिलोंग करना चाहिए ए का एक एलिमेंट होना चाहिए ठीक है बात समझ गए मतलब ये है कि ये फेवरेबल आउटकम्स वाली बात हो गई तो अगर हम उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को निकाल करके सम करा दें तो भी हमारा काम चल जाएगा यही है एक्जिमेटिक अप्रोच तो पहला ये हो गया दूसरा ये हो गया तीसरा ये हो गया ठीक है बात समझ गए अब देखिए इसमें थर्ड पॉइंट जो है और सेकेंड भी शायद समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं ठीक है एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि टू क्वाइंस हमने टॉस किया अब अगर हमने टू कॉइंस टॉस किए हैं तो सैम्पल स्पेस क्या होगा टू कॉइंस टॉस किया सैम्पल स्पेस हो जाएगा हमारे पास एच 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 टी टी एच और टी टी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद अगर हम लेते हैं कि एक इवेंट है हमारे पास ई e, उसको हमने डिफाइन किया कि बोथ हेड ठीक है ई e हमने किया कि बोथ हेड और बोथ टेल ठीक है बोथ हेड्स हो जाएं या टेल्स हो जाएं तो अगर हम ई e को सपोर्टेड वाला देखें तो हमारे पास क्या आएगा वो आएगा कि पी एच एच आ जाएगा ये भी है बोथ हेड वाला है ना? अगर हम देखें तो ई e क्या है पी ई e जो है वो हमारे पास एक तो ये हो जाएगा पी एच एच और एक पी टी टी है आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा यही चीज यहाँ पर है कि जो इवेंट हमने डिफाइन किया हुआ है वो कहाँ कहाँ से निकल कर आ रहा है उनके रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोबेबिलिटीज निकाल दीजिए जैसे पी एच एच और पी टी टी अगर हम निकाल दें तो पी एच एच मतलब एक ही बारी है ना वन मतलब पी एच एच क्या हो जाएगा वन बाय फोर हो जाएगा जबकि पी टी टी भी वन बाय फोर हो जाएगा दोनों को सम कराएंगे तो वन बाई टू हो जाएगा तो ये इस तरह से बातें बनाते हैं हम ठीक है तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो है यहाँ पर ये जो थर्ड एग्जियम है उसमें हम क्या करते हैं बेसिकली लेकिन यूजुअली वी डोंट डू इट इन सम ये जो है इस इतना एलोबोरेट फॉर्म में हम करते नहीं हैं इसको हम जो है संक्षिप्त फॉर्म में कर देते हैं कि आ, सीधा सीधा हम ये देखते हैं कि ये ई जो है ई कौन कौन से से रिप्रेजेंट हो रहा है उनको हम फेवरेबल आउटकम्स की तरह काउंट कर लेते हैं और जैसे यहाँ वन और टू और सीधा सीधा टू बाय फोर लिख लेते ठीक है तो टू बाय फोर भी हमें वन बाय टू ही मिल जाता तो इस तरह से हम ये एग्जियम लगा के कर लेते हैं बेसिकली हम अगर डायरेक्ट काउंटिंग भी कर रहे हैं तो भी हम ये एग्जियम ही लगा रहे होते हैं लेकिन ये जो है इस एग्जियम का डायरेक्ट मीनिंग है ठीक है बात समझ में आ गई और यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर ई वन मान रखिए कि बोथ हेड है फिर मानिए कि फर्स्ट पे हेड है दूसरे पे टेल है ई टू को फिर ई थ्री मानिए कि पहले पे टेल है दूसरे पे हेड है और फिर ई फोर मान लीजिए कि दोनों पे टेल है तो सबकी प्रोबेबिलिटीज जो है इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज जब निकालेंगे तो वन बाई फोर वन बाई फोर वन बाय फोर वन बाय फोर फिर सबको ऐड करा देंगे तो वो वन हो जाएगा क्योंकि वन बाय फोर चार बार ही हम ऐड कराएंगे तो वन आ जाएगा तो सेकेंड एग्जियम भी यही है और जो फर्स्ट एग्जियम है वो बहुत ही बेसिक है कि जीरो से वन के बीच किसी की प्रोबेबिलिटी लाई करेगी और ये जीरो भी हो सकता है और वन भी हो सकता है क्योंकि ये रेंज में हमारे पास इस तरह का ठीक है फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज सिंपल क्योंकि हमने देखा था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दे जाते हैं ठीक है कोई बात नहीं है यहां पर तो हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की बात अगर करें इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ एवरेबल आउटकम्स और अपॉन में हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ठीक है तो ये तो हमने टेंथ क्लास में भी किया था नो प्रॉब्लम विद इट तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ओके तो ये सेकेंड जो हमारा है वो भी आ गया फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स अब वाट डज दिस मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम का क्या मतलब है यहाँ पर सीधा सीधा है कि अगर हम एक सैम्पल स्पेस मान लें किसी इसका इवेंट से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं और हमने एक सैम्पल स्पेस मान लिया तो उसके जो है मान रखिए कि एलिमेंट्स हैं हमारे पास ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा थ्री ओमेगा फोर यही चार ले लेते हैं मान रखिए तो हमें अगर यही चार एलिमेंट्स हैं तो हमें पी ओमेगा वन जो है वो कितना हो जाएगा ये वन बाय फोर हो जाएगा यही हमारा p ओमेगा टू फिर पी ओमेगा थ्री पी ओमेगा फोर ये सारे आपस में बराबर होंगे और इनकी वैल्यू वन बाय फोर होगी तो अगर हम इक्वली लाइकली आउटकम्स का देखें तो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम ही होती है तो यानी कि वो क्या हो गया कि अगर मान रखिए हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो एन है तो इसमें हर एक की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी अगर हम लिखने जाएं इन टर्म्स ऑफ एन तो हम वन बाय एन लिख सकते हैं बात समझ में आई तो इक्वली लाइकली आउटकम्स का अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहेंगे तो सैंपल स्पेस को वन वन को सैम्पल स्पेस से डिवाइड करा करके हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स निकाल लेते हैं ठीक है अब हम आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी ए और बी हमने देखा था लास्ट सेशन में कि वो होता है यूनियन तो पी ए और बी का मतलब हो जाएगा पी ए यूनियन बी इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं वो है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ठीक है ये कुछ इस तरह का है जो हमने सेट्स में वो चाय कॉफ़ी पीने वाले लोगों का या कोई एप्पल ऑरेंज लाइक करने वाले का या फुटबॉल टेनिस और क्रिकेट खेलने वालों का जिस तरह से बनाया था तो वहाँ पर एन होता था यहाँ पर पी हो जाएगा उस फॉर्मूले में तो हमारा आ जाएगा ठीक है अब यहाँ ए एंड बी बेसिकली ये है ए एंड बी तो इसको इधर ले आइए इसको इधर ले आइए तो हमारा एक दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा और नॉट ए तो पी नॉट ए को हम या तो इससे या फिर पी ए कॉम्प्लीमेंट से डिनोट कराते हैं जिसको कि हम वन माइनस पी ए लिख देते हैं इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी की प्रोबेबिलिटी पता है तो हम जो है उसके नेगेशन का मतलब नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम वन ठीक है तो वन से हम सब्ट्रैक्ट करके किसी की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं ठीक है तो हमारे पास यहाँ पर यही है प्रोबेबिलिटी का कि प्रोबेबिलिटी ए और बी ए और बी को हम दूसरे टर्म में भी कहते हैं इसमें अगर एटलीस्ट ए और बी एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी दिया हुआ है एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी दिया हुआ है तो भी हम जो है प्रोबेबिलिटी यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी का मतलब वही हो गया ए और बी बेसिकली ठीक है आइए अब इनके बेसिस पर हम सात बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि हमने आज जो कवर किए हैं वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए रिवाइज हो जाए और अच्छी तरह से हमें पता चल जाए कि हमने क्या किया है आज की क्लास में बेसिकली हम मोस्ट ऑफ द केसेस में तो यही वाला फार्मूला यूज़ कर रहे होंगे नॉट ए वाला भी फॉर्मूला हमारे पास यूज़ होगा ठीक है तो देखते हैं हम क्वेश्चंस कि क्या क्या क्वेश्चन हैं आज के इस सेशन में क्वेश्चन नंबर वन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू ओमेगा वन से लेके ओमेगा सेवन तक दिया हुआ है यहां असाइनमेंट है वन टू थ्री फोर फाइव और इधर जो है ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा थ्री ओमेगा फोर ओमेगा फाइव ओमेगा सिक्स ओमेगा सेवन के रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज दिए हुए है। तो sample, uh, हैं तो ये एक्चुअली सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स हैं तो ये सिंपल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज हमें दी हुई हैं तो हम जो है एक्जियोमेटिक अप्रोच अगर लगाएं तो उससे हमें ये पता चल सकता है कि इनमें से कौन वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी है और कौन नहीं है सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि जैसे हमें ये देखना होगा कि ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो उनके रेंज में मतलब जीरो से वन के बीच आ रहे हैं कि नहीं तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट वाले को कंसिडर करें तो पहला वाला एग्जियम तो ये पास कर गया कि सारी ही वैल्यू जीरो और वन के बीच में लाई कर रही हैं दूसरा एग्जियम ये है कि इनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का सम वन होना चाहिए तो ये वन हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर आप इनको ऐड करें तो ये सिक्स टू एट हो गया एट होने के बाद यहाँ पर ये नाइन हो गया फिर ये वन सिक्स नाइन और टेन तो ये भी वन हो गया मिलके ये देखिए टू डेसिमल वाले नंबर्स हैं ये जबकि ये सारे सिंगल वाले थे तो ये सिंगल वाले मिलके के पॉइंट नाइन बन गए हैं जबकि ये चार चार जो है ये मिलके के वन बन रहे हैं ठीक है देखिए आप पॉइंट ज़ीरो वन पॉइंट ज़ीरो थ्री तो पॉइंट जीरो फोर हो गया पॉइंट ज़ीरो फाइव प्लस कराएंगे तो पॉइंट जीरो नाइन हो जाएगा प्लस पॉइंट ज़ीरो वन कराएंगे तो पॉइंट वन हो जाएगा और इस तरह से शाम इनका वन आ जाएगा तो ये जो है पास कर गया उन सारे जो दो एग्जियम्स थे उनको ठीक है तीसरा एग्जियम का यूज़ हम यहां पर नहीं करते हैं चेक करने के लिए नहीं करते हैं उनका यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अब मान रखिए कि हमारे पास ये ओमेगा वन और ओमेगा टू किसी चीज़ को किसी इवेंट को दोनों सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें जब प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो हम इन दोनों के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करा देंगे और हमें रिजल्टेंट जो आएगा वो हमें इन दोनों के या कहिए कि जो इवेंट हम डिफाइन करेंगे जिसके कि ये सपोर्टिंग वाले होंगे तो वो हमें मिल जाएगा वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ठीक है बात क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं यानी कि पहला वाला जो है ये वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी है इट इज़ ओके क्योंकि हमारे पास हमने दो चीज़ें यहाँ पर चेक करनी होती हैं कि इनकी जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हैं वो जीरो और वन के बीच में आनी चाहिए दूसरा इनका जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का सम है वो वन के बराबर होना चाहिए तो ये दोनों ही बातें यहां पर हो रही हैं इसलिए ये वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी है अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे सेकेंड असाइनमेंट पे सेकेंड असाइनमेंट में अगर हम देखें तो वन बाय सेवन वन बाय सेवन वन बाय सेवन वन बाय सेवन सबका मतलब सेम ही है और ये सात बारी हैं तो ये वन बाय सेवन क्या होता है जीरो और वन के बीच में होता है कि नहीं होता है यह बिल्कुल जीरो और वन के बीच में होता है आप सबों को पता है अगर आप लोगों में किसी को कंफ्यूजन है तो आप जो है डिवाइड करके देख लीजिए जीरो पॉइंट समथिंग आएगा यानी कि वो जीरो और वन के बीच में लाई कर रहा है सिंपल सी बात यही है तो हमारे पास जो है ये सारे जीरो और वन के बीच में लाई कर रहे हैं एक दूसरा चेक पॉइंट ये भी हो सकता है कि न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वो जो है और वन के बीच में ही लाइक करता है जो आउटकम आएगा अब यहां पर सात जो हैं हैं इवेंट्स सातों के है ईच है तो ये अपना इंडिविजुअल तो वैलिड है ही साथ में ये सम भी वन बना रहे हैं क्योंकि अगर हम सेवन टाइम्स वन बाय सेवन को ऐड कराएंगे तो हमें वन मिल जाएगा तो इस तरह से ये भी एक वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी है बहुत ध्यान से चीजों को समझिए सुनिए ठीक है थर्ड असाइनमेंट हम देखते हैं थर्ड में जो है पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट फोर पॉइंट फाइव पॉइंट सिक्स पॉइंट सेवन ये तो इंडिविजुअली ये सारे वैलिड असाइनमेंट और प्रोबेबिलिटीज हैं देर इज नो प्रॉब्लम विद इट फिर हमें ये भी देखना होता है कि इनका सम जो है वन के बराबर है कि नहीं तो ये वन से ज्यादा है देखिए आप खाली आप इन दोनों को अगर आप ऐड करा दें तो भी ये वन से ज्यादा हो गया क्योंकि पॉइंट सिक्स और पॉइंट सेवन है तो ये वन पॉइंट थ्री हो जाएगा तो इसलिए ये वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं है समझ में आ गया होगा आपको ये इंडिविजुअली वैलिड हैं क्योंकि ये जीरो और वन के बीच में लाइक कर रहे हैं पर इनके सम जो है वन से ज्यादा हो जा रहे हैं इसलिए ये वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज नहीं हैं क्वेश्चन तो ये जो असाइनमेंट फोर्थ पे हम पहुंचते हैं इसमें ये नेगेटिव आप देखिए नेगेटिव जैसे ही हो गया यानी कि ये जीरो और वन के रेंज में नहीं है तो इसका मतलब है ये भी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं है ठीक है असाइनमेंट फाइव पे हम जा रहे हैं वन बाय फोर्टीन टू बाय फोर्टीन थ्री बाय फोरटीन फोर बाय फोर्टीन फाइव बाई सिक्स बाय फिफ्टीन बाय दिस 15 बाई फोर्टीन यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया यानी कि ये वन से बड़ा हो जाएगा तो यानी कि दिस इज नॉट अ वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी कि हमारे पास वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड पर है ठीक है बातें समझ में आ गई होंगी आपको क्वेश्चन नंबर टू पे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर टू है अ क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस वाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल अकर्स यहाँ पर एटलीस्ट वन टी लकर का हमें बनाना है यहाँ पर अ इज टॉस ट्वाइस है तो लेट अस राइट द सैंपल स्पेस फर्स्ट तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एच एच हो जाएगा एच टी हो जाएगा टी एच हो जाएगा और टी टी हो जाएगा अभी जो हमने लिखा था इलस्ट्रेशन में तो वही चीज़ है यहाँ पर एच 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 टी टी एच और टी टी है ठीक है इसको दो बारी टॉस करने पर हमें सैंपल किसी क्वाइन को हमें दो बारी टॉस करने पर यही सैंपल स्पेस मिलता है इसके चार एलिमेंट्स हो गए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन टेल अकर्स। अब एटलीस्ट वन टेल अकर्स तो हम इवेंट डिफाइन कर लेते हैं लेट ई e, यहां पर लेते हैं कि एटलीस्ट वन टेल अकर्स ठीक है तो यहां पर ई e के लिए क्या हो जाएगा एटलीस्ट वन टेल अकर का मतलब हो गया कि एच टी है टी एच है और टी टी है ठीक है बात तो एच टी है टी एच है और टी टी है समझ में आ गई बात अब जो है हमारे पास क्या निकालना है वट इज़ द प्रोबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल लाकर तो हम पी ई e निकालेंगे तो वो हो जाएगा एन ई बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस ठीक है तो यहाँ पर एन ई e हो गया वन टू थ्री और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस हैं फोर तो थ्री बाय फोर इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर अस मतलब क्वेश्चन नंबर टू का जो आंसर है वो हो गया थ्री बाय फोर ठीक है ऐसे ही हम प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं दूसरे बाकियों के बाकी इवेंट्स के ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं अ डाई इज थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स एक डाई अगर हम फेंक रहे हैं एक डाई सिंगल डाई फेंक रहे हैं सैंपल स्पेस क्या होगा सैंपल स्पेस विल बी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नो प्रॉब्लम विद इट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स विल बी द सैंपल स्पेस वैन वन डाई अ डाई इज थ्रोन ठीक है अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स निकालना है तो अब प्राइम नंबर विल अपियर तो यहां पर अगर हम बनाएं कि E1 एक है जो कि आप प्राइम नंबर एक प्राइम नंबर आ रहा है तो E1 के लिए अगर हम सेट लिखेंगे तो हमारे पास टू है थ्री है और फाइव हैं ये प्राइम नंबर हैं वन इज़ नॉट अ प्राइम नंबर वन इज़ नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर्स जबकि फोर और सिक्स जो है कम्पोजिट नंबर्स हैं जब हम वन से सिक्स तक के कोई नंबर ले रहे हैं वन से सिक्स तक तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में से टू थ्री और फाइव प्राइम नंबर्स हैं वन फोर और सिक्स जो है नॉन प्राइम नंबर्स हैं हम नॉन प्राइम बोल सकते हैं क्योंकि वन है जिसको कि हम कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं बोल सकते ठीक है तो इस तरह से अगर हम देखें तो एन ई वन कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा थ्री ठीक है और यहाँ पर अगर देखें तो नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस कितने हैं तो ये सिक्स हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स सिक्स हैं तो इस तरह से पी ई वन अगर हम निकाल रहे हैं तो वो कितना आ जाएगा पी ई वन हो जाएगा थ्री बाय सिक्स यानी कि वन बाय टू समझ में आ गया होगा दूसरे पे आते हैं दूसरे में है कि हम E2 बना लेते हैं इवेंट को यहां पर है अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री विल अपियर अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री विल अपियर तो इसके लिए अगर हम E2 का लिखेंगे तो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री है तो थ्री विल कम क्योंकि इक्वल टू भी है थ्री आ जाएगा फोर आ जाएगा फाइव आ जाएगा और सिक्स आ जाएगा इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 जो है वो फोर हो गए और पी ई टू फिर हमारा हो जाएगा फोर बाय सिक्स और इसको कैंसिल कराएंगे अगर तो टू बाय थ्री ठीक है तो ये e2 मतलब सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया टू बाय थ्री ठीक है समझ में आ गया होगा थर्ड पार्ट देखते हैं यहां पर है अ नंबर लेस देन और इक्वल टू वन विल अपियर तो नंबर लेस देन और इक्वल टू वन है अगर तो यहां पर हम क्या करेंगे जो हमें पूछा जाता है उसी को हम इवेंट बना लेते हैं यहां पर अ नंबर लेस देन और इक्वल टू वन कह रहे हैं तो यहाँ पर अ नंबर लेस देन और इक्वल टू वन ही लिख देंगे हम ठीक है तो इस तरह से ई थ्री में जो है हमारे पास सिर्फ इक्वल टू वन वाला ही आएगा जिसको कि हम वन से डिनोट कराएंगे और फिर अगर आप देखें तो एन ई थ्री जो है वन हो गया और इस तरह से पी ई थ्री जो है हमारा वन बाय सिक्स हो जाएगा ठीक है क्योंकि छः हमारे पास सैंपल पॉइंट्स हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर फोर मतलब थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड का थ्री का फोर्थ पार्ट अगर हम देखें तो उसमें है कि अ नंबर मोर देन सिक्स विल अपियर अब सिक्स से तो ज़्यादा कोई नंबर आएगा नहीं ठीक है तो इस तरह से सिक्स से ज़्यादा अगर नंबर यहाँ पर मोर देन सिक्स है ना मोर देन सिक्स है तो इसमें क्या हो जाएगा अगर हम ई फोर बनाएंगे अ नंबर ग्रेटर देन फोर ग्रेटर देन सिक्स अ नंबर ग्रेटर देन ग्रेटर देन सिक्स तो यहाँ पर ई फोर हो जाएगा कोई नहीं फाइव ठीक है और इस तरह से पी ई फोर विल बी जीरो समझ में आ गई बात और आ नंबर लेस देन सिक्स विल अपियर तो इसमें जो है सारे ही आ जाएंगे तो इसकी प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी वन हो जाएगी समझ में आ गया होगा आपको इसको लिखना पड़ेगा वैसे ई e फाइव हम बना लेंगे उसमें लिखेंगे कि आ नंबर लेस देन सिक्स विल अपियर एक्चुअली लेस देन सिक्स सॉरी लेस देन और इक्वल टू इज नॉट देयर सो इट इज लेस देन सिक्स तो अ नंबर लेस देन सिक्स विल अपियर का कैसे बनाएंगे अ नंबर लेस देन सिक्स के लिए हम यहां पर e5 फाइव एक इवेंट बनाते हैं उसमें अ नंबर लेस देन सिक्स वेरी टेक्निकल क्वेश्चन ठीक है लेस देन सिक्स तो यहां पर अगर e5 हम बनाएंगे तो उसमें वन से फाइव तक आएंगे वन टू थ्री फोर फाइव इतने एलिमेंट्स आएंगे ठीक है बात ये आ गया और इस तरह से हमारे पास जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी पी ई फाइव की वो हो जाएगा ये फाइव एलिमेंट्स हैं तो फाइव बाय सिक्स राइट तो इसका हो जाएगा फाइव बाय सिक्स समझ में आ गई बात तो ये है इसमें सबकी प्रोबेबिलिटी जब हमारे पास आ गई है प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी वन बाय टू नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री का हो जाएगा टू बाय थ्री फिर अ नंबर लेस देन और इक्वल टू वन का वन बाय सिक्स हो जाएगा फिर है अ नंबर मोर देन सिक्स विल अपियर इसका जीरो हो जाएगा क्योंकि छ से ज्यादा मोर देन कह रहे हैं इक्वल टू रहता तब एक आने का चांस रहता अच्छे लेकिन यहां पर वो भी नहीं आएगा नंबर मोर देन विल अपीयर मतलब कि हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन विल अपीयर तो लेस देन सिक्स में सिक्स विल नॉट कम इस हिसाब से सिर्फ पांच ही एलिमेंट्स हमारे पास आ पाए और इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास फाइव बाई सिक्स हो गई ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर इज अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इन अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स वी हैव 52 कार्ड्स इन टोटल हमें पता है कि बावन कार्ड्स होते हैं उसमें हमें इसका फर्स्ट पार्ट है हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस तो सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स हो जाएंगे तो फिफ्टी पॉइंट्स हो जाएंगे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें सारे कार्ड्स के लिए एक एक इंडिविजुअल कार्ड्स के लिए एक एक सैंपल पॉइंट्स आते हैं तो हमें हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द दैंपल स्पेस तो फिफ्टी टू कैलकुलेट द प्रोबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड अब एस ऑफ एन स्पेड अगर है तो स्पेड होता है ये वाला आप सबों ने देखा होगा तो इसका जो एस मतलब इक्का वो हमें कितना होगा एक ही होगा तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी वन बाय फिफ्टी ठीक है क्योंकि वन जो है फेवरेबल आउटकम में आएगा और जबकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 52 है ठीक है बात कैलकुलेट द प्रोरिटी दैट द कार्ड इज एन एस अब एस कितने होते हैं हमारे पास किसी पैक में देर विल बी फोर एस और टोटल कार्ड्स हैं 52 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस विल बी फोर बाय फिफ्टी यानी कि वन बाय ठीक है समझ में आया और ब्लैक कार्ड कितने होते हैं तो ट्वेंटी होते हैं तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड जो है अगर हमें निकालना है तो वो कितना हो जाएगा 26 सिक्स बाय फिफ्टी यानी कि 1 बाय टू ठीक है ऐसे भी आधे कार्ड ब्लैक होते हैं और आधे कार्ड रेड होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में तो हमारे पास इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी जो है वन बाय टू ईच होगी तो हमें ब्लैक का पूछा गया है तो ब्लैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी वन बाय टू होगी आई होप आपको समझ में आ गया होगा इनको लिखने के लिए आप एक एक इंडिविजुअल का जो है इवेंट बनाते हैं जब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना होता है इसमें तो कोई बात नहीं है इसमें सैम्पल पॉइंट का पूछ रहे हैं तो ये वन मार्कर क्वेश्चन ही आपको पूछेंगे या फिलिंदा ब्लैंक्स पूछेंगे या आपको एम में पूछ सकते हैं तो इस तरह से इसका तो चलिए डायरेक्ट ऑप्शन हम लिख देंगे बाकियों के लिए हमें इवेंट्स बनाने की जरूरत होगी तो वो हम बना करके लिखेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर थ्री में किया था ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव के और बढ़ते हैं हम और उसमें है अ फेयर क्वाइन विद वन मार्क्ड ऑन वन फेस एंड सिक्स ऑन द अदर एंड अ फेयर डाई आर बोथ टॉस्ड ठीक है एक फेयर क्वाइन है वन मार्क्ड ऑन वन फेस एंड सिक्स ऑन अदर फेस तो एक क्वाइन है उस पर वन और सिक्स है ठीक है लिखा हुआ तो या तो वन टर्न अप होगा या सिक्स टर्न अप होगा ठीक है समझ में आ गई बात यहां पर क्वाइन पर ऐसे लिखे हुए हैं ओके उसके बाद जो है फेयर डाई भी है हमारे पास फेयर डाई में क्या होगा वन से सिक्स तक होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तक होगा ठीक है बात समझ रहे हो अब इनमें से कोई भी आ सकता है वन के साथ भी और सिक्स के साथ भी समझ पा रहे हैं फाइंड द प्रोल्टी द सम ऑफ नंबर्स दैट टर्न अप्री हमें अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है चाहे इवेंट जो भी हो हमें सैम्पल स्पेस निकालने की जरूरत पड़ेगी ठीक है तो सैंपल स्पेस हम पहले लिख लेते हैं अब ये वन है वन के साथ में कोई भी आएगा ये और सिक्स के साथ में भी कोई आएगा ठीक है तो इस तरह से हम सैंपल स्पेस तैयार करते हैं कैसे वन वन लिख सकते हैं वन टू लिख सकते हैं क्योंकि वन के साथ में इनमें से कोई भी आ सकता है तो वन के साथ में वन भी आ सकता है वन के साथ में टू भी आ सकता है थ्री भी आ सकता है फोर भी आ सकता है फाइव भी आ सकता है और सिक्स भी आ सकता है ठीक है अब टू टू की लाइन पे जा रहे हैं तो टू सिक्स की लाइन पे सॉरी सिक्स टू इज नॉट देर सिक्स इज देर तो सिक्स की लाइन पे जब गए तो सिक्स वन आ जाएगा सिक्स के साथ में टू आ सकता है सिक्स के साथ में थ्री आ सकता है सिक्स के साथ में फोर आ सकता है सिक्स के साथ में फाइव आ सकता है और सिक्स के साथ में सिक्स आ सकता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर उसके बाद जो है हमें यहाँ पर अब आ जाते हैं इवेंट बनाने पे यहाँ पर ए के लिए हम एक इवेंट बनाएंगे लेट ए एक कॉलन लगा देंगे यहाँ पर और यहाँ पर क्या करें कि जो समर्स है दैट टर्न अप इज थ्री तो यहां पर हम लिखेंगे सम इज थ्री ठीक है इसको और थोड़ा और अच्छे से लिखने के लिए सम ऑफ नंबर इस थ्री लिख सकते हैं या सम इस थ्री इज ओके नो प्रॉब्लम विद इट तो हम ए के लिए यहां पर अब देखें कि भाई थ्री सम किन में किन में से बन रहा है निकल रहा है वन टू में से निकल रहा है सम थ्री और तो कोई केस नहीं बनेगा क्योंकि ये सारे अब थ्री से बढ़ जाएंगे और यहाँ पर तो सिक्स एक है एलिमेंट तो वो थ्री से बड़ा ही होगा तो यानी कि वन टू इज़ द ओनली एलिमेंट जिस केस में सम जो है थ्री हो रहा है तो हमें अगर एन ए लिखना है तो एन ए हमारा आ जाएगा वन और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व ये हम टू इंटू सिक्स करके भी ला सकते हैं ठीक है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो है हमारे पास ट्वेल्व तो यहाँ पर पी ए जो होगा वो होगा एन ए बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ ए जो A, है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस ट्वेल्व है तो वन बाय ट्वेल्व विल बी द आंसर समझ गए बात को अब हम आ जाते हैं बी पार्ट पे बी पार्ट में सम हमें ट्वेल्व चाहिए ठीक है अगर आप देखें तो ट्वेल्व हमारे पास सिर्फ यहाँ पर बनेगा राइट तो यहाँ पर बी हम एक बनाएंगे लेट बी एक बनाया कि सम इज़ ट्वेल्व राइट अब अगर बी के लिए हम सेट लिखना चाहें तो वो सिक्स सिक्स ही लिख पाएंगे तो इस तरह से एन बी जो है वो वन आ जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज ट्वेल्व तो हमारे पास पी बी जो है वो हो जाएगा वन बाय ट्वेल्व ठीक है समझ में आ गई बात तो दोनों ही केसेस में प्रोबेबिलिटी वन बाय ट्वेल्व है राइट यू कैन सी इट है तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के दोनों पार्ट के आंसर निकाल लिए और कैसे बनाते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आते हैं इफ टू बाय नाइन इज द प्रोबिलिटी ऑफ एन इवेंट व्हाट इज द प्रोबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन ये वन मार्कर में ही आपसे पूछ सकते हैं ये एम में भी पूछ सकते हैं फिलिंदा ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं तो यहां पर जो है अगर टू बाय नाइन किसी के इवेंट की प्रोबेबिलिटी है तो नॉट ए जो है अगर पी ए हमें दिया हुआ है कि भाई टू बाई नाइन है तो यहां पर एन इवेंट ए होना चाहिए था यहां पर तो वो आप करेक्ट कर लीजिए पी ए टू बाइन है तो पी नॉट ए जिसको कि हम इस तरह से रिप्रेजेंट करा सकते हैं वो होता है वन माइनस पी ए तो यह आ जाएगा वन माइनस टू बाय नाइन जो कि हो जाएगा सेवन बाय नाइन जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो समझ में आ गई बात तो सेवन बाय नाइन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर सेवन और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है ये अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड असासीनेशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज अ वोवेल अब पहले यहां अगर हम देखें तो वोवेल्स क्या क्या हैं ए है ए है, है तो आई है ए है आई है ओ है ठीक है तो इस तरह से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स हमारे पास वॉवल्स हो गए कॉन्सोनेंट्स हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हो गए तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो है एसासीनेशन में थर्टीन हो गए तो हमारे पास यहां पर अ लेटर इज चूजन एट रेंडम फ्रॉम द वर्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज अ वॉवल तो हमारे पास वॉवल जो है अगर देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल विल बी सिक्स बाय थर्टीन एंड प्रॉबिटी ऑफ कॉन्सोनेंट विल बी कॉन्सोनेंट विल बी सेवन बाय थर्टीन समझ में आ गई बात ये बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है ये भी आपको वन मार्कर में ही पूछ सकते हैं एक्चुअली हमें जो भी वर्ड में बावल और कॉन्सोनेंट्स वगैरह का चक्कर है तो हम जो है उसमें से देख लेते हैं कि कितने वॉवल्स हैं कितने कॉन्सोनेंट्स हैं और उसके बाद फिर हम उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो उस वर्ड में दिए हुए हैं उससे डिवाइड करके ठीक है इस तरह से आज के सेशन में हमने छह बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक कंसेप्ट किए प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड और हमने उनके बेसिस पर छह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो आई होप कि आज के सेशन आपको फ्रूटफुल लगे होंगे यूजफुल सेशन रहा होगा आपके लिए बहुत ही जल्द आपके साथ मैं और भी इसी तरह के मैथ्स के कोई टॉपिक लेकर आपके सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अस थैंक्स अ लॉट एंजॉय योर